जय हिंद साथियों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो मेरे छोटे भाई आर्मी की तैयारी करते हैं या एसएससी जीडी के फिजिकल की तैयारी करते हैं, सीआरपीएफ बीएसएफ या इन सभी के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। कई भाइयों की जो पेट की चर्बी है बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है, कईयों का पेट बहुत ज़्यादा आ रखा है, कईयों का पेट जो है बहुत टाइट नहीं हो रहा है, बीम लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और सांस भी जब रनिंग करते हैं तो सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है और क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा थक जाता है, कॉल में बहुत जल्दी प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे रनिंग करने लगेगा कॉल में दर्द हो जाएगा, साइड कॉल में दर्द होगा। उसमें एक समस्या वो भी है कि आप अंगूठे को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका ये हिस्सा टाइट होना जरूरी है। आप ज़्यादातर जो मेरे भाई है वो सेटअप पे बिलीव करते हैं, वो जब भी मैंने देखा है गाँव में देहात में जहाँ पे भी जो लड़के तैयारी करते हैं घर पर रखे, वो ज़्यादातर सेटअप मारने की कोशिश करते हैं पेट के लिए। सेटअप से इस प्रकार सेटअप मारते रहते हो, लेट कर खड़े होकर भी मारते हैं कुछ लोग, लेकिन ये केवल आपके इस हिस्से पे। आप देखना जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनका ये वाला हिस्सा पूरा टाइट हो रखा है, चाहे कितना भी मार लो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हर बार सिटअप मारते रहते हैं तो सिटअप मारने से ये हिस्सा पूरा टाइट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये हिस्सा कभी टाइट नहीं होता है सिटअप मारने से, क्योंकि सिटअप का यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों। अब आपको ये हिस्से की तैयारी करनी है, इसको बहुत ज़्यादा टाइट करना है ताकि आपकी रनिंग करते समय कोल में दर्द नहीं हो, साथ में बीम लगाने में आसानी हो, रस्सा करने में आसानी हो और हाथों में जान बनी रहे। तो जान पेट से ज़रूरी है दोस्तों। तो नीचे वाला जो पेट होता है ये सबसे हार्ड वर्क होता है इसका और सबसे ज़्यादा थकावट भी होती है। तो आज मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा आपको जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी, तो पेट के लिए और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगर खड़े खड़े करना है तो दोस्तों खड़े खड़े कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिससे आपकी साइड की जो ये है इसके लिए जल्दी से ये टाइट हो जाएगा। इस प्रकार आप एक्सरसाइज करिए, ये आपके पूरे साइड को टाइट करेगा दोस्तों। इसके 20-20 सेट मारने हैं दोनों पैरों से दोस्तों। इस प्रकार आपको ये यहाँ पर टच करना है एडी पर, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको एडी पर टच करना है दोस्तों। इसके अलावा लेट का जो कौन कौन सी पोजीशन है वो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो पेट के इस हिस्से की एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपने बहुत बार ये किया होगा, जो मैं अभी पहली एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो आपने बहुत बार की होगी ज़िंदगी में, मुझे पता है बहुत लोग करते हैं ये वाली फर्स्ट एक्सरसाइज ये करते हैं ज़्यादातर लोग। तो इससे क्या होती है थकावट बहुत जल्दी हो जाती है दोस्तों, करते तो बहुत ज़्यादा लेकिन इससे आप 20-30 सेकंड करोगे उसके बाद में आपको थकावट हो जाएगी। ये एक्सरसाइज भी करनी है, इसके 3 सेट करने हैं आपको, लेकिन इससे थकावट जल्दी हो जाती है। इसके अलावा ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो ये वाली एक्सरसाइज भी करते हैं या ऐसे भी करते हैं। तो दोस्तों आपको इसके अलावा कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो आप आसानी से कर सकते हो और पेट बहुत जल्दी आपका टाइट हो जाएगा? तो देखो मैं शुरू से बताता हूँ आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। दोनों घुटनों को इस प्रकार फोल्ड कर लेना है, थोड़ा सा खुला रहने देना है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप होना चाहिए, इस प्रकार हाथ रख लेने हैं। इस प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा सिटअप मार पाओगे दोस्त, आपको कष्ट कम होगा और काम ज़्यादा, तो इसे आप आसानी से अपने पेट की जो चर्बी है वो लूज़ कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे क्योंकि इसमें काउंटिंग होती है और आसानी रहती है, क्योंकि दोनों पैरों की अलग अलग टाइम पे होती है इसलिए आपके आसानी रहती है करने में। तो ये एक्सरसाइज आपको करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, दो एक्सरसाइज है ये, पहली वो वाली और दूसरी पैर वाली। इसके अलावा तीसरी एक्सरसाइज पैरों को 90 डिग्री पर कर लीजिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज। तो ये दोस्तों इसको करने में आसानी बहुत रहती है, आप करके देखना, आप 10 दिन बाद में ये 100-100 सिटअप ऐसे कर पाओगे और इससे आपका होगा क्या कि थकान कम रहेगी और पेट की जो नसें हैं ये बहुत जल्दी टाइट हो जाएगी। इसके अलावा और भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे साथ में अगर ये थोड़ी सी हार्ड पड़ती है लेकिन आपका ये पेट के इस हिस्से पर काम करती है दोस्तों, ये काउंटिंग के साथ होती है इसलिए आसानी होती है इनको करने में, तो ये भी कर सकते हो और साथ में ये भी कर सकते हो। इन एक्सरसाइज को करने में आसानी रहती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे। इसके लिए फ़ायदा ये है कि आपका जो पेट की जो चर्बी है ये अपने आप लूज़ हो जाएगी दोस्तों, अपने आप ख़त्म हो जाएगी और जल्दी से जल्दी। बाकी ये पोजीशन बहुत बढ़िया पोजीशन है लेकिन कई भाइयों से ये ज़्यादा समय के लिए नहीं हो पाती है, उसका रीज़न ये है कि उनका पेट टाइट नहीं होता। तो शुरुआत में इस पोजीशन की बजाय आपको जो मैंने बताई है वो करने से आपके लिए बेटर रहेगी। इसके अलावा आपको सभी को पता है फ्लैंक पोजीशन, फ्लैंक पोजीशन में आप जब रहते हो इस, तो फ्लैंक पोजीशन आपको करनी है दोस्तों इस प्रकार, इससे आपके पेट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा लेकिन ये तो आप करते ही हो,
अब इसके अलावा इसमें भी आपको बहुत कष्ट होता है, तो इसमें आसान तरीका बताता हूँ आपको किस प्रकार से कर सकते हो। तो दोस्तों इसको देखो, क्रॉस घुटने टच करने कोहनियों के, ये आप ज़्यादा कर पाओगे और ज़्यादा इफेक्टिव है आपके शरीर के लिए, फ्लैंक पोजीशन से भी ज़्यादा। फ्लैंक पोजीशन आप ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, इसलिए ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इसमें स्कूल ऐसे भी कर सकते हो साइड के लिए, जो कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे फिर बताएंगे। जय हिंद।